हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस दिस इज कुकिंग। दोस्तों, आज का रेसिपी है दानेदार सूजी का हलवा। वैसे मैंने पहले भी आपको बना के दिखाया था, लेकिन उसमें बिना दूध और बिना घी का था। आज मैं दूध और घी के साथ बना के दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच घी लिया है। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 तेज़पत्ता डालेंगे और 2 इलायची और कुछ 5-6 लौंग डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। मैंने यहाँ पे सूजी लिया है, 1 कप सूजी लिया है। सूजी को हम 1 या 2 मिनट तक भून लेंगे, या तब तक भूनेंगे जब तक सूजी का कलर ना आ जाए। तो आपको इसी तरह से चलाते रहना है। जब सूजी का कलर आ जाए तब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, 1/2 कप चीनी लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/2 कप चीनी लिया है। चीनी डालने के बाद आपको इसी तरह से थोड़ा भून लेना है, इस तरह से चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पे लिया है 500 ml, यानी कि 1/2 लीटर दूध लिया है मैंने। इसी तरह से आपको चलाते रहना है। दूध डालने के बाद हम सूजी को ढक के 1 मिनट तक पकाएंगे अच्छा से। 1 मिनट के बाद आप देखोगे सूजी अच्छे से फूल गया है और गाढ़ा हो गया है। तो हम सूजी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो जब सूजी ठंडा हो जाता है तो ज़्यादा ड्राई लगता है, इसलिए हम सूजी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो इसी तरह से थोड़े देर तक हम चलाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं सूजी का हलवा बनके तैयार है। आप सूजी का हलवा को गरम गरम सर्व करें। इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।